नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टेक धीरज पर। तो दोस्तों, क्या आप सबके मन में थोड़ा सा मिथ होगा कि स्टैंडर्ड और हैवल्स क्या अलग अलग है? आजकल लोगों के मन में एक मिथ है कि स्टैंडर्ड कौन सी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी मिथ को दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस है जो कि स्टैंडर्ड की है। तो मैं आपको बता दूँ ये स्टैंडर्ड है क्या। स्टैंडर्ड एक हैवल्स का पार्ट है। इसके बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि स्टैंडर्ड के बिल्डिंग के सेगमेंट में भी है। जैसे स्विच सॉकेट्स हो गए, ये है ना, जो एक्सेसरीज़ वगैरह हैं, ये भी स्टैंडर्ड के अवेलेबल हैं। और मैं तो सबसे पहले आपका मिथ दूर करता हूँ। इन दोनों में मिथ क्या है फ्रेंड्स? क्या है, जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इसके मद्देनज़र हैवल्स ने क्या किया है, अपना एक दूसरा सेगमेंट, अपना दूसरा एक ब्रांड स्टैंडर्ड के नाम से लॉन्च किया है। और ये स्टैंडर्ड जो है, जो कि हैवल्स से कम रेट में है, थोड़ा सा कम रेट में, एक्चुअली में है वही प्रोडक्ट। तो आप अपने मन में मिथ बिल्कुल भी मत पालिए कि मैं हैवल्स खरीदूँ क्या स्टैंडर्ड खरीदूँ। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप स्टैंडर्ड खरीदिए। और स्टैंडर्ड खरीदने से क्या होगा कि आपको हैवल्स का ही माल मिलेगा। अगर आप एक्सेसरीज़ खरीदते हैं तो आप एक्सेसरीज़ में ऊपर तो ब्रांडिंग देखेंगे स्टैंडर्ड की, बट अंदर आप देखेंगे कि हैवल्स इंडिया लिमिटेड लिखा होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, हैवल्स इंडिया लिमिटेड, ये हैवल्स इंडिया लिमिटेड लिखा है। तो आप थोड़ा गौर से देखिए। और ये प्रोडक्ट भी हैवल्स का ही है। इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके, जैसे आजकल इसमें इसके बायर्स की क्वालिटी तो बहुत ही गजब की है। तो बिल्कुल भी मत पालिए, कोई ऐसा वो नहीं है। जस्ट आप ले, मेरा मानना है कि आप स्टैंडर्ड खरीदिए। और स्टैंडर्ड लेंगे तो आपको हैवल्स ही मिलेगा, नो मिथ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।